देखो बेटा, आपको पास दो ऑब्जेक्ट मास है, एक 10 केजी का है, एक 20 केजी का है, और उनको जो है आपने एक रिजिड रॉड जो कि 10 मीटर की है उससे कनेक्ट कर रखा है। तो एक छोटा सा फिगर बना लें, ये आपका 10 केजी हो गया बेटा, और ये आपका 20 केजी का हो गया। कितना है बेटा ये 10 मीटर का है। आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, कहां से पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है आपका 10 केजी का। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, हमने मान लिया कि यहां से जो है XM जो है वो यहां कहीं बीच में होगा। ठीक, अब देखिए बेसिक फार्मूला आपको मालूम है, m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2, यही पढ़ा था आपने। 10 केजी को आप m1 मान लीजिए, 20 केजी को आप m2 मान लीजिए। आपका x1 क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे है, तो आपकी x1 क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। x2 यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो 10 केजी है, वहां से 20 केजी की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर की। सारा डेटा में आपको मिल गया, 10 × 0 + 20 × 10, एम आई राइट, / 10 + 20, M1 और M2 मिल गया, 0 हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा, 200 हो गया। नीचे क्या मिल गया आपको, 30 मिल गया, एक एक कैंसिल हो गया। तो 20/30 मीटर पे आपका सेंटर ऑफ मास होगा, यानी 2 इज द करेक्ट ऑप्शन।